अस्सलाम वालेकुम। आज संडे का दिन है और आज कुछ गेस्ट आने हैं, तो उनकी भी तैयारियां करनी है। दावत पे कुछ गेस्ट आएंगे, तो अभी फ़िलहाल जो है ना, सुबह का वक्त हो रहा है, फजर की नमाज़ के बाद मैं नीचे आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। अभी वैसे तो सब सो रहे हैं, बट अम्मी और मैं उठे हुए हैं, तो मैंने कहा अम्मी और मैं अपना नाश्ता बना लेती हूँ फिर, ताकि दूसरे कामों में लग जाए हम लोग। तो यहाँ पर बस मैं चाय रख रही हूँ पकने के लिए। बाकी सब लोग जो है फजर की नमाज़ के बाद सो गए थे, तो ये लोग थोड़ा लेट उठेंगे, 9-10 बजे तक संडे है क्योंकि, तो थोड़ा लेट उठते हैं। तो यहाँ पे बस अम्मी और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, उसके साथ मैंने कहा ऐसा करते हैं कुछ और भी बना लेती हूँ, पराठा वगैरह, ताकि पेट भर के अम्मी और मैं नाश्ता कर लें फिर दूसरे कामों में लग जाएँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने ना आलू भी रख दिए थे बॉयल होने के लिए, एक्चुअली मैंने दावत में मैगी कबाब बनाने थे। तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ क्विक एंड ईजी रेसिपी बनाते हैं जो कि आलू का भरता है। आलू मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है, तो बस मैंने कहा चलो आलू का भरता बना लेते हैं। आलू भी रख दिए बॉयल होने के लिए, उसमें से थोड़े से आलू ले लूँगी और एक क्विक एंड ईजी रेसिपी बन जाएगी, और जो है पेट भी भर जाएगा आराम से, ईजी खा लेंगे ना। तो यहाँ पर बस फिर मैंने भरता बनाना स्टार्ट कर दिया था। इधर मैंने प्याज ले ली, उसको जो है ना गोल्डन फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और इसमें मैंने टमाटर डाल दिए चॉप करके, उसके बाद जो है ना दो हरी मिर्ची मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब मैं नमक डाल दूँगी, चाट मसाला डाल दूँगी और गरम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूँगी, और अगर चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्ची, मैंने इस वक्त डाल दी, कभी मैं ऐड करती हूँ कभी नहीं करती, तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐड कर दी है। इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची भी थोड़ी सी डाल दी है इसमें। अब इसमें जो है ना आलू डाल के मिक्स कर लूँगी इन सब चीज़ों को। उसके बाद इसके ऊपर मैंने पुदीना डाल दिया था, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिए पराठे बनाना, कि जल्द से पराठे बना लूँ तो फिर नाश्ता कर लें हम। टाइम तो बस जल्दी जल्दी भाग रहे क्योंकि, और फाइनली यहाँ पे हमारा नाश्ता जो रेडी हो गया है, सब कुछ बना लिया है मैंने। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले हम रशियन सैलेड बना लेते हैं, तो उसके लिए मैंने 10 सब्ज़ियाँ ले ली हैं, चुकंदर, गाजर, बंद गोभी, इन सबको जो है ना बारीक बारीक कटिंग कर लिया है मैंने। उसके साथ फ्रोज़न सब्ज़ियाँ ली हैं, उसमें ना ये कॉर्नस हैं, भुट्टे के दाने जो होते हैं, और मटर है, और गाजर भी थी उसमें, तो वो भी मैंने ले ली। और उसके साथ जो है ना मैंने बॉयल छोले लिए, मैक्रोनी बॉयल कर ली थी, आलू जो थे ना बॉयल हुए उनको क्यूब्स में कटिंग कर लिया है, और चिकन ले ली थी उसे भी बॉयल करके रेशा कर लिया है। इसके साथ साथ मैंने एक अंडा बॉईल किया है, एक अंडा जो मैंने बॉईल किया है ना, ये जो है एक अलग जो है ना, मैं रशियन सैलेड बनाऊंगी दो तरीके की बनाऊंगी, एक क्रीम वाला और एक दही वाला। जो दही वाला मैं बनाऊंगी ना, उसमें एग डलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ मिक्स मसाले लिए हैं और दही लिया हुआ है, और ये जो है कांच के जो बाउल में है ना, ये मैंने जर्दी को अलग किया हुआ है एग की, और इनकी जो है ना फुल वीडियो जो है डिटेल रेसिपी वो आपको अलग से मिलेगी मेरे चैनल पर, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उसका, तो आप वहाँ देख लीजिएगा डिटेल में। फाइनली यहाँ पे मेरा एक रशियन सैलेड जो रेडी हो गया है, ये मैंने दही वाला बनाया है, इसकी फुल वीडियो जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अब मैं आ गई हूँ घर का नक्शा जो कि काफ़ी बिगड़ा हुआ है क्योंकि संडे मासी आई नहीं है, तो अब सफाई भी मैं ही करूँगी, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सफाई। सारा काम फाइनली डन हो गया है, क्लीनिंग भी हो गई, सेटिंग भी कर ली सब जो थोड़ी बहुत सेटिंग करनी थी, बस ये रह गया है। ये मैं एक डेकोरेशन का बना रही थी रात को, तो ये बस इनकम्प्लीट रह गया, ये अभी बस मैं डन कर लेती हूँ ये भी। इसके अलावा सारा काम हो गया। बाहर का भी देख ले साथ साथ, तो यहाँ पे गेस्ट आ गए थे और अब हम जो है खाना लगाने लगे हैं। यहाँ पे रायता, मैगी कबाब, रशियन सैलेड, पुलाव सैलेड, मटन कढ़ाई, मटन ये है कबाब हांडी, और ये भी रशियन सैलेड है डिफरेंट टाइप का। ये जो है ये क्रीम वाला है और ये दही वाला है, और ये पुलाव है।
निहारी खाना खाने के बाद मीठे की बारी थी, तो यहाँ पे जो केक ही गेस्ट लेके आए थे साथ, हमने ये भी रख दिया था। उसके अलावा यहाँ पे मेरी भाभी ने वॉलनट टॉफ़ी बनाई थी, ये मीठा बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पे बिस्किट्स और चिप्स जो हैं ये भी गेस्ट लेके आए थे केक के साथ ही। इसी के साथ जो है आज के ब्लॉग का एंड कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।